배로 말. 아주 मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय आकाश जी का और पूरी नेपाली फिल्म इंडस्ट्री का उनके माध्यम से आज लोग आप लोगों के बीच में मैं यहां पर उपस्थिति देने के लिए आया हूं बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी श्रोतागण का जिनकी वजह से मुझे इतना प्यार मिला जो लफ्जों में बयां भी नहीं किया जा सकता और ये पूरी दुनिया में जो चलता है वो पूरी दुनिया में जो चलता है वो सिर्फ प्यार ही चलता है और मैं और आप हम साक्षात हम दोनों साक्षात सबूत है वो ऐसे कि जैसे यहां निकट बिहार लगा हुआ है वैसे ही मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी वो यूपी बिहार की रही और मेरी जो पत्नी है वो यहीं से है तो मैं यहां पे आके ये कहा करता हूं कि मुझे किसी से साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं नेपाल से कितना प्यार करता हूं मैं मेरे पहले साबित कर दिया है मुझे जो यहां का सबसे अच्छा जो तरीका लगता है वो ये है कि यहां का पुरुषार्थ और यहां का प्रेम हिला नहीं हिलता ऐसा कमाल का कमाल देखा है चाहे जिंदगी में जो दौर आया हो चाहे जो तकलीफ आई हो चाहे जो कष्ट आया हो मैं किसी भी दौर से निकला मेरे साथ सदैव दिया और मैं मुंह बोले ऐसे ही ससुराल में आ गया इसे तारीफ नहीं करता हूं ऐसा नहीं सोचेगा इसे तारीफ कर रहा हूं कि वो स्लैक है और 35-35 साल निकल जाते हैं शादी ब्याह के तो उसके बाद तारीफ से आगे निकल जाते हैं हम लोग ये कह के मैं मेरी डिस्कस नहीं कर रहा हूं आज भी प्रॉब्लम नहीं है डांस वैसा ही है मुझे ये कहा गया है कि मैं आज चंद शब्दों में नेपाली फिल्म इंडस्ट्री की तरफ और उसके मद्देनजर जो दिल में ख्याल है मैं कहूं दिल में यही ख्याल है कि ये जो प्रेम है हम लोग जो पैदा हुए ये पूरी दुनिया जो चल रही है ये हमारे अपने प्रेम के माध्यम से चल रही है और यही फिल्म इंडस्ट्री का काम है पूरी दुनिया में ऐसी धूम मचाए चाहे वो जहां की फिल्म हो अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी ये फिल्म जो बनी है वो रिवर्स हो सकती है तो उसकी जगह ये नेपाल है क्योंकि पुरुषार्थ पुरुषार्थ और प्रेम का पूरे पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा प्रतीक नहीं हो सकता कभी और इसके लोहा पूरी दुनिया मानती है आप देखिए जहां जाइए आगे जो फोर्स होती है वो दूसरी कोई और फोर्स नहीं होती है वो सिर्फ नेपाली फोर्स होती है ठीक उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री से हम आगे जिसको निकले तो प्रेम के माध्यम से आगे निकले और इतना ज्यादा प्रेम फैला दे पूरी दुनिया में कि जहां जाए मैं कभी आया था किसी टाइम में यहां पे मैंने स्पीच दी थी और कांतिपुर टेलीविजन में मैंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता हूं कि यहां के बहुत सारे लोग जो है उन्हें पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां वो जाया करें जॉब मिला करें और कहीं कहीं से आवाज आए जी हाँ जी कैसा हो अच्छा मैंने भी जवाब दिया राम रस है तो ये आवाज इसे ऐसे बुलंद कीजिए और उसका दूसरा माध्यम नहीं है सिर्फ प्रेम है मुझे पता है कि जो प्रेम का माध्यम जो शांति
उसके भी बहुत दुनिया में दुश्मन हो जाते हैं, उसे भी रिवर्स करेंगे नेपाल के माध्यम से और आगे निकलेंगे। और यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, माता मातंग सर्वत्र मात्र देव भव विश्व वही काम करे, क्योंकि मैं तो आजकल पॉलिटिक्स के अंदर नहीं हूं, मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल आया हूं तो ज्यादा स्पीच नहीं दिया करता हूं। तो आइए हम लोग वही काम करें। तो क्या करें भैया, क्या बात है सुनकर आगे है थोड़ा थोड़ा सा लाइन आप लोग के लिए मेरी दिल से नहीं कह रहा हूं अरे और कैसे आए गोरी हम तुम्हारे घर, अरे खेत गए बाबा बाजार गए अकेली हूं बाय अकेली हूं घर मा तू आई जबाल मा सरकाइलो कटिया जाड़ा लगे और सरकाइलो कटिया जाड़ा लगे और सरकाइलो कटिया जाड़ा लगे जाड़े बलमा जाड़ा लगे किसकाइलो कटिया जाड़ा लगे और सरकाइलो कटिया लालू पट्टे वाली तेरा नाम तू बता, एक काले कुर्ते वाली तेरा नाम तू बता, ए नाम तू बता तेरा नाम तू बता तेरा नाम तू बता एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो तैयार मुझे ये कहा गया कि यहाँ के लोग अपेक्षा करते हैं कि आप थोड़ा सा डांस नाच गाना हो जाए, तो जैसे चार गाना गा चुका हूँ आइए थोड़ा तुमका भी लगा देते हैं हम लोग, है ना सर। आपको हम अकेले नहीं छोड़ेंगे कि अतिथि को हम सत्कार करेंगे और हमारा जो ब्यूटीफुल हीरोइन आपके साली जो है उनको हम साथ में देंगे। दीदी अगर बुरा न माने तो हमारे साथ है निरुता सिंह, ये मेरे लिए एक्ट्रेस सही है, मेरे लिए साली है।
और एक और साली भी हम भरते हैं इसमें, दीपा श्रीवाला जो सबसे हट्टी कट्टी है और नेपाल की सबसे सफलतम चलचित्र निर्देशक एंड आकाश अधिकारी गाड़ी चलचित्र निर्माता संघ का अध्यक्ष वरिष्ठ कलाकार त्यसै गरी अभिनेता वहाँ पनि सबै साथी हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटै केटीमा अघि पछि पढेर अगाडि बढ्नुभयो। दीपक राजगिरी दाई पनि हामी सबमै हुनुहुन्छ र दाई पनि हामी खेल्दै हुनुहुन्छ। अब हामी यसरी नाच्ने हो अपने आप को मेरी सभी मित्रगण से ये खास क्या कहूँ अपेक्षा है, विनती है कि जिस इतिहास में लिख लू भैया बच्चों का लेडीज का ख्याल रखे, किसी की तकलीफ नहीं है। और मैं निकल रहा हूँ, जो प्रेम मिला ये सदैव यहाँ है, वहाँ है और है और रहेगा। मैं यहाँ के जो श्रोतागण है, जो पब्लिक है, जो ये फिल्म देखती है, जिनके वजह से ये फिल्म चल रही है, वो कभी ये ना भूले कि हमारी पूरी भाषा की धरोहर जो है वो हमारे फिल्मों के गाने हैं। ये भाषा कभी किसी भी हाल में लुप्त ना हो जाए, उसका माध्यम हमेशा से या तो फिल्में रही है या फिल्मों के गाने रहे हैं, तो ये चलते रहना चाहिए, किसी हाल में भी ये थमे नहीं। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, चाहे वो नेपाली फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो जो हिंदी हो, हम लोगों की भाषा, हम लोग की ये मातृभूमि ये जहां जहां जुड़ी है, प्यार पूरी दुनिया में हर जगह कीजिए, परंतु आपकी जो भाषा और आपकी मातृभूमि है इसका प्रेम कभी नहीं भूलिए। आपकी माँ का प्यार जो है, जो दुलार मिला है, वो कभी नहीं भूलिए। और इस फिल्म इंडस्ट्री की आप पूर्णतः सहायता दीजिए। मैं आप लोग से बारंबार प्रार्थना करता हूँ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।